गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। तो आज का हमारा लेक्चर है लैंडिंग गियर के ऊपर। आपको फिगर दिख ही रहा होगा, पता चल रहा होगा, लैंडिंग गियर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि लैंडिंग गियर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन है लैंडिंग गियर के, कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस नोमेनक्लेचर के बारे में, इसका क्या क्या काम है, ये नोमेनक्लेचर जो हमने लिख रखा है लैंडिंग गियर का, तो इसका क्या क्या काम है और क्या क्या नाम है, सब कुछ हम लोग आज बात करेंगे। तो लैंडिंग गियर को स्टार्ट करें तो आपका मन में जो है ये ख्याल आना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि अगर नहीं बनता हो, चलो हम कर देते हैं, कि क्या आप बिना पैर के चल सकते हो, या फिर क्या आप बिना पैर के दौड़ सकते हो, बिना पैर के आप छलांग मार सकते हो, क्या आंसर होगा आपका? ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं कर सकते ऐसा। वैसे ही किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ये लैंडिंग गियर होता है, ठीक है। जब आप दौड़ते हो तो आपका पूरा बॉडी का वेट क्या होता है, पूरा पैर पे होता है। वैसे ही जब ये लैंडिंग गियर, जब ये एयरक्राफ्ट कोई भी काम कर रहा होता है, चाहे ग्राउंड ऑपरेशन में कोई काम हो, या आपका लैंडिंग कर रहा हो, या फिर टेक ऑफ कर रहा हो, तो आपका ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी किस पे होती है, लैंडिंग गियर पे। इस लैंडिंग गियर का सर्विसेबल होना, इस लैंडिंग गियर का सही होना, ये डिसाइड करता है कि एयरक्राफ्ट कितना सुरक्षित लैंड कर सकता है, कितना सुरक्षित किसी भी ऑपरेशन के लिए काम आ सकता है, या फिर कितना सुरक्षित वो टेक ऑफ कर सकता है। तो ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं लैंडिंग गियर के बारे में, कि लैंडिंग गियर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, या फिर दूसरे भाषा में अगर लिखें तो लैंडिंग गियर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है सपोर्ट सिस्टम है? अब देखिए, जब हम लोग दौड़ते होंगे, या फिर ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन में बैठे होंगे, सभी ट्रेन में बैठे होंगे, तो होता क्या है कि जब ट्रेन में बैठते हो तो वहां क्या होता है, अचानक जब ट्रेन खुलती है तो अब क्या होता है, झटका लगता है, थोड़ा सा होता है ना इनर्सिया का वहां पे होता है, थोड़ा इफेक्ट होता है। वैसे ही जब ये एयरक्राफ्ट अचानक लैंड करती है, या अचानक टेक ऑफ करती है, ठीक है, या फिर अचानक स्टार्ट हो जाता है, तो वो उस वक्त क्या होता है, झटका, उस वक्त शॉक प्रोड्यूस होता है, उस वक्त क्या होता है, शॉक प्रोड्यूस होता है। तो इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या लगा होता है, शॉक स्ट्रट। हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि शॉक स्ट्रट क्या होता है, क्या क्या उसके कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, लैंडिंग गियर की क्लासिफिकेशन की, तो पहला आता है आपका टेल व्हील लैंडिंग गियर, ठीक है। टेल व्हील लैंडिंग गियर जो है एक्चुअली हम लोग पहले जमाने के एयरक्राफ्ट, लाइक ओल्ड एयरक्राफ्ट जो होते थे उसमें यूज करते थे, ठीक है। तो टेल व्हील लैंडिंग गियर का क्या होता है, एक जो आपका मेन गियर होता है, उसमें मेन जो गियर होता है लैंडिंग गियर, तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे होता है, ठीक, लगे होता है आगे। और टेल लैंडिंग गियर की एक खासियत क्या है, कि वो आपका क्या करती है, वेट को रिड्यूस करती है। कैसे? क्योंकि उसके जो गियर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। इससे क्या होता है, ओवरऑल वेट में क्या हुआ, रिड्यूस तो हुई कुछ ना कुछ। तो ये क्या होता है, एविएशन के लिए बहुत बड़ी फायदा है, वेट रिड्यूस होना, कम पैसे लगना, अच्छे मिल जाना सामान, ये सब चीज क्या है, एविएशन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो ये क्या है, इसका एडवांटेज कि आपका वेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, वेट को आपका घटाता है। अब दूसरी इसकी क्या खासियत है आपका टेल व्हील की, कि ये नन पेव्ड, आपका जो है ना नन पेव्ड लैंड पे भी, नन पेव्ड रनवे पे भी आपका क्या हो सकता है, लैंड कर सकता है। नन पेव्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ, कि आपका मिट्टी पे, या फिर किसी ड्राई सैंड पे, या फिर मतलब किसी ठोस मिट्टी पे भी आपका ये लैंड कर सकता है, कौन सा, टेल व्हील लैंडिंग गियर, ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, आपका टेंडम टाइप की, टेंडम टाइप की, तो ये आपका जो है जनरली जो इसके जो लैंडिंग गियर होते हैं, आपका मेन लैंडिंग गियर, इसका भी दो होता है, एक होता है मेन लैंडिंग गियर होता है, एक होता है आपका रियर लैंडिंग गियर, या टेल लैंडिंग गियर कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आपका जो आपका मेन लैंडिंग गियर होता है टेंडम लैंडिंग गियर में, उसका जो पोजीशन होती है वो सेंटर, एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हल्का सा पीछे होता है, अप्रोक्स मतलब उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे और ये हम लोग जो टेंडम लैंडिंग गियर है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं,
जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेल प्लेन जो होते हैं उसमें यूज करते हैं, और जो होते हैं आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो सब मैक्सिमम वहां पे हम लोग यूज करते हैं टेंडम लैंडिंग गियर। ठीक है, तो तीसरी क्या है आपका, ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर। आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, वो हम लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, टेल लैंड आपका ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर। ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर क्या होता है कि आपका क्या होता है, ये दो तरह से होता है, एक होता है रिट्रैक्टेबल होता है, एक होता है फिक्स्ड होता है। जो लैंडिंग गियर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्टेबल मतलब कि लैंडिंग गियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर उसको कंप्रेस कर सकते हैं या फिर आगे या पीछे उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और फिक्स्ड आपका जो लैंडिंग गियर होता है वो क्या होता है, ना तो आप उसको आगे कर सकते हो ना ही पीछे, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो वो फिक्स्ड लैंडिंग गियर आपका जनरली सेसना जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं वो सब में हम लोग यूज करते हैं लाइट एयरक्राफ्ट में। और ये जो आपका बोगी व्हील्स, आपका जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो सब क्या है, वो सब आपका ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर ही है। बस फर्क इतना है कि वो क्या है, रिट्रैक्टेबल है, और ये जो सेसना वाले होते हैं, पिस्टन वाले होते हैं मैक्सिमम, वो क्या होता है आपका फिक्स्ड वाले होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, आपका टेल व्हील लैंडिंग गियर की, तो उसका एक दूसरा नाम है, उसका क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल लैंडिंग गियर। अगर हम बात करें ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर की, तो ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर क्या होता है आपका, इसका एडवांटेज क्या क्या है कि ये तो पहली बात ग्राउंड लूपिंग से बचाता है, दूसरी बात अंडर कैरेज को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, तीसरी बात कि आपका जो इंजन और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस है उसको ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, इसकी खासियत है। अब बात आती है ग्राउंड लूपिंग क्या होता है, ग्राउंड लूपिंग आपने वर्ड यूज किया, क्या होता है ग्राउंड लूपिंग, होता है जब किसी एयरक्राफ्ट के विंग का जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी याविंग मोशन में आपका रैपिडली रोटेशन होने लगे, रैपिडली इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड लूपिंग। उससे ही क्या करता है, बचाता है, कौन, ट्राईसाइकल लैंडिंग गियर। फिर दूसरा क्या है, अगर ऐसा कुछ होगा, ग्राउंड लूपिंग होगा, तो उससे क्या हो सकता है, अंडर कैरेज को डैमेज पहुंचा सकता है। अब अंडर कैरेज क्या होता है, आपने वर्ड यूज किया, तो अंडर कैरेज क्या होता है कि एयरक्राफ्ट के वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग व्हील्स, जो आपका पूरे एयरक्राफ्ट को सपोर्ट देता हो और एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ या फिर ग्राउंड ऑपरेशन के समय एक सपोर्ट देता हो, एक हेल्प करता हो, तो वो क्या होता है आपका, अंडर कैरेज कहते हैं उसको। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि अंडर कैरेज, हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि लैंडिंग गियर को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर कैरेज भी कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट डीजीसी ने क्वेश्चन किया हुआ है, कई बार किया हुआ है, कभी कभी तो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, डीजीसी का, कि लैंडिंग गियर का दूसरा नाम क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा, अंडर कैरेज, ये याद रखिएगा। अब आते हैं बात इस नोमेनक्लेचर की, ये आपका क्या है, बोगी व्हील है, ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। आपका इधर जो है फॉरवर्ड मोशन टाइप है, ठीक, ये आपका क्या है, व्हील है, यहाँ पे क्या लगा, एक्सल, एक्सल का काम क्या है, व्हील को इंस्टॉल करने में हेल्प करना, ठीक। उसके बाद ये क्या है आपका, पूरा पाइवट बीम है, ठीक है, ये एच टाइप होते हैं, ठीक है, इसका जो सिंबल ये एच टाइप होता है, इसलिए हम लोग एच टाइप पाइवट बीम भी कहते हैं। यहाँ पे दो इक्विलाइजर लगा हुआ है, ठीक, और ये आपका जो है, ये येलो कलर से आपको दिख रहा होगा जो किया हुआ है, ये आपका क्या है, फॉर्क एंड शाफ्ट है ये, और ये आपका क्या, ये पोर्शन आपका, ये आपका लोअर सिलेंडर है ये, ठीक, और ये अपर सिलेंडर है, ये आपका एक शॉक स्टार्ट का पूरा पार्ट है, लोअर सिलेंडर, अपर सिलेंडर, ये सब क्या है, शॉक स्टार्ट का पार्ट है। ये आपका जो ग्रीन कलर से किया हुआ है, ये आपका क्या है, टॉर्क आर्म है, ठीक है, टॉर्क आर्म जो होता है वो क्या होता है, अपर सिलेंडर के लोअर में और लोअर सिलेंडर के लोअर में लगे होते हैं, ठीक है, और इसमें आपका एक ऑर्फिस लगा होता है, कुछ मीटरिंग पिन होता है, वो लोग आगे पढ़ेंगे कि शॉक स्ट्रट के बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें हम लोग ये सब बातें करेंगे। ये होता है आपका क्या है, ड्रैग ब्रास लगा हुआ है ये, ठीक है, दो यहाँ पे, और ये आपका क्या है, पाइवट ट्रूनियन है ये, ठीक है, पाइवट ट्रूनियन। तो ट्रूनियन में यहाँ पे क्या होता है, और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ब्रैकेट होते हैं यहाँ पे लगा हुआ, ब्रैकेट लगे होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर से, एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे आप जुड़े होते हैं। तो इसकी जो पूरी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, एक बात, एक लेक्चर करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि तो ब्रैकेट क्या होता है, इसमें ट्रूनियन क्या होता है, ये सब वही बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप चाहो तो फिगर बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके,
तो आज का हमारा जो है लेक्चर यहीं खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो आपका सॉक स्टड के बारे में होगा, पूरा सॉक स्टड के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह का होता है, कैसे होते हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर की काम क्या क्या है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, को कैसे काम करता है, ठीक है, जब लैंड कर रहा होता है एयरक्राफ्ट, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, तो ये सब बातें हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। योर सपोर्ट इज माई स्ट्रेंथ एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. Thank you.